स्पाई लगता है कि हमारे सर्वर का आखिरी वक्त आ चुका है। नहीं मैकेमोन अभी नहीं आया है। स्पाई इतने में जल्दी क्या है भागने की? ओ व्हाट, ये कहाँ चला गया? अगर हमें किसी हेडसेल सर्वर के अंदर एक बैन प्लेयर को रिवाइव करना है तो हमें एक प्लेयर हेड लगता है, पर इस सर्वर के अंदर ऐसा नहीं है। प्लेयर को अनबैन करने का एक ही तरीका है, जो कि है ये बुक। पर मैं इस सर्वर के अंदर पहुंचा कैसे? ये सब तब स्टार्ट होता है जब मेरा फ्रेंड इस एसएमपी के अंदर बैन हो जाता है। ओके, हम दोनों ने सर्वर तो ज्वाइन कर लिया, पर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है अभी। हेलो सैमनर्स। हाँ जी। अरे पर हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई सामान वगैरह मिल जाता तो। अरे हाँ भाई, हाँ मेरे पास एक बेस है एक्चुअल में। मैं कोऑर्डिनेट भेजा तुम्हें डीएम पे, वो देखो वहाँ पर जाओ। अरे वैसे सुनो। हाँ क्या हुआ? स्पॉन पे मत रहना, क्योंकि स्पॉन पे बंदे बहुत ज्यादा फिके रहते हैं मारने के लिए न्यू प्लेयर्स को। अबे पहले क्यों नहीं बताया, निकल मैकेमोन फटाफट से यहाँ से। भाई निकलो भाई, एग्जैक्ट स्पॉन पे भाई, किधर जाए? लेकिन ये कोर्स तो पास ही है, इधर ही आना है हमें। भाई क्या मस्त फ्रेंड्स बने ऐसे पे में जो बोलूं। अबे हेलो, ये कहाँ बग गए? क्या पता लाइट लाइट वेट चल गया होगा लगता है। आई थिंक हम उस वाले कॉर्ड्स पे पहुंच तो गए हैं, ये बिल्ड लग रहा है। अरे पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पर ऊपर की तरफ एक रास्ता जा रहा है। ओके चेस्ट है बहुत सारी। ओ भाई ब्लॉक्स है, निकाल लो। यहाँ पर डायमंड्स के बूट्स हैं, ये मिल गए मुझे। वही ना डायमंड का चेस्ट प्लेट को ले लेता हूँ, काम आएगा। ये डायमंड्स ले लेते हैं। ओ स्वॉर्ड, वो एक ट्राइडेंट मिल गया मुझे। डिसेंट सी लूट तो मैं मिल गई है। वीट उठा ले, फूड बनाने का काम आएगा। ओए टोटम मिल गया मुझे एक। डायमंड मैंने उठा लिए हैं, फिर टोटम। ओ मेरे को भी एक टोटम मिला है, मैं इसको लगा लेता हूँ अपने ऑफहैंड में। स्पाई मेरे को किसी का नेम टैग दिख रहा है इधर। व्हाट, किसका नेम टैग दिख रहा है? ए इधर देख, ये पीछे इधर देख, सामने देख, जल्दी आर्मर पे। भाई भाग भाग भाग, किधर जा रहा है भाई? जल्दी भाग, ये मार देगा ये तुझे। भाग 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 भाई, मैं तो दूसरी तरफ ही भाग रहा हूँ डायरेक्ट, तू किधर भी भागो। अरे पर तू कौन सी साइड भाग रहा है? मैं तो उल्टी साइड ही भागा बिल्कुल। भाई मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। भाई मेरे टोटम पॉप कर दिए इस बंदे ने। अरे पर है कहाँ पर तू? मैं किसी ओश रिवर के पास हूँ। ओ देखिए देखिए, पीछे देख पीछे देख पीछे देख। भाई बच गए हम तो उससे, इस नर्ड के बच्चे से तो बच गए। लेकिन मेरे को ये बता कि तूने मेरे को एसएमपी में बुलाया क्यों है? अरे हाँ ये तो तेरे को मैं बताना भूल ही गया। देख इस सर्वर के अंदर मेरा एक फ्रेंड है जो कि इस सर्वर से बैन हुआ हुआ है। उसको बैन किया है एक गैंग ने। उसको रिवाइव करने के लिए हमें एक बुक चाहिए होगी, एंड वो कोई भी नॉर्मल बुक नहीं है। उस बुक की हेल्प से हम किसी बैन प्लेयर को सर्वर से रिवाइव कर सकते हैं। अच्छा, एंड वो बुक हमें मिलने वाली है उस गैंग के बेस पे। सैमनस ने उस बेस के कोड्स तो दे दिए हैं, पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक बार हम चेक कराते हैं। यू नो हम नॉर्मल डायमंड आर्मर में वो हमें दो हिट में चटका देगा, पर फिर भी एक बार चेक कराते हैं ना। हाँ ये भी सही बोला भाई, चेक कर लेते हैं। इसके बाद हम दोनों उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। मैकेमोन आई थिंक हम पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए। आई थिंक यही है उसका बेस। क्या आप भी माइनक्राफ्ट की एक बेस्ट होस्टिंग ढूंढ रहे हो जिसके अंदर हमें लो पिंग एंड चीपेस्ट प्लान मिले, तो आपको चेकआउट करना चाहिए एसजी नोट्स। देखो कोई भी सर्वर जाए एसएमपी खोलने के लिए हमें एक अच्छी होस्टिंग का सर्वर जरूर चाहिए होता है, एंड ज्यादा मैटर सर्वर की पिंग करती है। तो ये होस्टिंग आपको राइजन 9 का नोड प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल नोड है। इनके पेड प्लान्स बहुत ज्यादा चीपेस्ट हैं, क्योंकि इनके हर प्लान के ऊपर हमें डीडोस प्रोटेक्शन मिलती है। आपको इनके पेड प्लान्स में जरूर जाना चाहिए, एंड इनके हर प्लान की रैम DDR5 की है, तो आपका सर्वर बहुत ज्यादा स्मूथ चलने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे कमेंट सेक्शन में इनके डिस्कॉर्ड की लिंक होगी, वहां पर जाके आपको इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना है। आपको इनके स्टोर वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर फ्री प्लान एंड पेड प्लान के दो चैनल बने होंगे। आपको पेड प्लान में जाना है, एंड यहाँ पर आपको हर प्लान की सभी इन्फॉर्मेशन एंड प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आपको कोई सर्वर बाय करना है तो आपको इनके टिकट वाले सेक्शन में जाना है, एंड यहाँ पर टिकट बना के आप सर्वर को परचेस कर सकते हो। सो यह बहुत ज्यादा अच्छी होस्टिंग है, एक बार आप चेकआउट कर लेना। ये आजकल मैं ज्यादा चंग करके खेलने लगा हूं, तो मेरे को सब दिखता है। एक बार थोड़ा आगे दिखाते हैं, चलो। आई होप इनका कोई गार्ड वगैरह हमें देख ना ले। वेट, यहाँ पर मुझे किसी का नेम टैग दिख रहा है। अबे क्राउच कर, देख लेगा वो। ओ शुभम MC भाई, इसके पास तो इंचांटेड आर्मर डायमंड का। ऊपर से साइलेंस ट्रिप भाई, क्या करें, एक तो कर्स ऑफ बाइंडिंग लग गई है ना मेरे हेलमेट पे। दोनों मिलके मार देंगे इसको, आर्मर भी मिल जाएगा। अभी पागल है क्या, कैसे मारेंगे उसको? हम ट्राई कर सकते हैं। हम बात तो तेरी सही है, एक बार देख लेते हैं। आजा मैकेमोन, देखा जाएगा। भाई मार इसे, जल्दी मार। ओके ओ शिट ब्रो, हेल्थ कम है मेरी। ओ टोटम गया मेरा। ओ नो, ओ शिट ब्रो, निकलना पड़ेगा यहाँ से मुझे। मैकेमोन भाग गया तू? मैं तो भाग गया भाई, एक हाथ बचा था, बैन होते होते बचा हूँ। देख मेरे पास एक प्लान है, एक काम करते हैं, हम पीछे की तरफ से जाते हैं ना। हाँ ये भी कर सकते हैं भाई, बहुत अच्छा आइडिया है।
एक बार इनके बेस के पूरा गोल गोल घूम के देखते हैं। इनके मेन गेट के साइड की तरफ आ गए हैं हम। अबे अभी तो कहीं पर ही खड़ा है ये। मैकेमो नाजा देखा जाएगा, लगता है ये एफ के खड़ा है। अंदर गया। अबे जल्दी अंदर आ। लेट्स गो, अंदर आ गए हम। ओके ब्रो, फिर से आ रहा है क्या ये? ओके भाई, नहीं देखा, बच गए। लेट्स गो। ओ भाई, आजा अंदर चलते हैं। आई होप कोई गार्ड वगैरह खड़ा ना हो यहाँ पर। कोई और तो नहीं होगा ना? पीछे। भाई बच गए। वो चला गया ना? ओके, वो उधर जा रहा है। वो इसके इधर आने से पहले अंदर घुस जा। चल भाई जल्दी चल, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है ना। अबे एक बंदा इधर को आ रहा है। ओ भाई चल गया। कितने गार्ड्स हैं इस कासल में? चल आगे चलते हैं, हमें क्राउच होके जाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे पकड़े जाएंगे। भाई क्लोज कॉल। भाई साहब कैसे बचे हम इस बार? भाई आप कितने ऊपर जाएंगे? अरे पर ये आ कहां पर गए हम? ओ भाई ऊपर क्यों आ गए ये? अबे मैं क्या मोड़ बच गए। इधर से तोड़ के ही निकलते ना डायरेक्ट। अबे सही कह रहे हैं, अंदर से तो खतरा है, बाहर से चलते हैं ना। यहाँ पर एक अंदर जाने का रास्ता आया। अबे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये कहाँ पर आ गए हम? ऊपर एक चेस्ट लगी। अबे हाँ यहाँ पर एक चेस्ट है देख। बुक एंड क्विल, द बुक ऑफ रिवाइव। अबे हमें बुक ऑफ रिवाइवर मिल गई, निकल यहाँ से जल्दी। भाई अब तो भाई भाग ही जाएंगे डायरेक्ट। ओके बाहर बंदे होंगे ध्यान से। इस भाई इतने भी जल्दी क्या है भागने की? ये तो गैंग का लीडर है। हैं? तेरे को पता नहीं है क्या दूसरों की चीजें चुरा कर भागना नहीं चाहिए? इस भाई लगता है कि हमारे सर्वर का आखिरी वक्त आ चुका है। नहीं मैं कमो नहीं आया अभी। फर्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। ओ व्हाट, ये कहाँ चला गया? यो भाई हम भाई मरने वाले थे, हमारे हेड टूल के इन्वेंटरी में मेरे को दिखने भी लगा था। पर मैकेमोन अगर हम कासल के अंदर बाई चांस पकड़े गए तो हम क्या करेंगे? हम अपना पर्ल चेंबर बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत है कि उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? एक तरीका है, मेरा एक फ्रेंड इस एसएमपी के अंदर खेलता है। तेरा फ्रेंड भी एसएमपी के अंदर? यस है, मेरा एक फ्रेंड एसएमपी के अंदर। अगर बाई चांस हम पकड़े गए तो उसको बोल दें कि पर्ल चेंबर को एक्टिव कर दें। भाई मस्त प्लान है, बुला कहाँ है? चल मैकमन हमारे पास रिवाइवर बुक तो आ गई, पर हम सैम उसको रिवाइव कैसे कर रहे हैं? क्या बुक के अंदर हमें उसका नेम लिखना है क्या? नहीं शायद से इसको रीनेम करना हो। ओके तो इस बुक को हम रीनेम करते हैं। करके देख। ओके मैकमन इसको मैंने रीनेम तो कर लिया उसके इन गेम नेम से। ओके राइट क्लिक कर दे, अगर रियल होगी तो राइट क्लिक होने में यूज हो जाएगी। ओके मैंने राइट क्लिक किया। व्हाट, अबे ये तो बुक खुल रही है। व्हाट द हेल, ये ओपन हो रही है भाई। भाई चूना लगा दिया क्या ब्रो? व्हाट द भाई, नकली है ये। इसका मतलब ये फेक रिवाइवल बुक है। भाई कितनी मेहनत की थी हमने। जो रिवाइवल बुक हम ऑब्टेन करते हैं वो दरअसल फेक रिवाइवल बुक होती है। ये सुनकर हम शॉक तो हो गए थे, पर उनका बेस हमारे से बचने नहीं वाला है। भाई क्या कर सकते हैं, हम तो उनका कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हम दोनों उनका बेस डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। व्हाट ब्रो, तू उनका बेस उड़ाएगा? लेकिन कैसे? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। तेरे को ये तीन आयरन के ब्लॉक दिख रहे हैं, स्टिक को पकड़ एंड इस बटन पे क्लिक कर दे। ये चीज सर्वर के अंदर बहुत कम लोगों को पता है। बड़े आए फेक रिवाइवल बुक देने वाले। चल स्पाई, इनका बेस तो हमने फोड़ दिया है, अब इनको फोड़ के आते। ये मेरा बेस किसने फोड़ा? जल्दी से इसको रिपेयर करो, मैं अपने घर पे जाकर के आता हूँ। हमारी तरफ ही आ रहे हैं मैकेमोन। ओ आ गया, पेल इसको खत्म कर दे।
ओ शेट प्रो है ये। ओ नो, एक तो आर्मर भी अच्छा नहीं है हमारे पे। लेट्स गो। इसका हेड मिला तेरे को? ओके, इसका हेड मेरे पास आ चुका है स्पाई। अब ये सर्वर में हमेशा के लिए बैन हो गया है। अबे रिवाइवल बुक कैसे ऑब्टेन करें? हमारे पास तो क्वार्ट्स भी नहीं है उसके। मिलेगा कहाँ पर हमें वो? फ्लैशी को जानता है, जिसने पर्ल चेंबर को एक्टिव किया था, उसके पास जगह क्वार्ट्स है। चल वहाँ पे चलते फिर। भाई ये कौन सी जगह आ गए हम? भाई बहुत बड़ी जगह है ये तो। भाई यहाँ पर एक प्लेयर घूम रहा है, शिट देखने लगे हमें ये। वहाँ पर भी एक प्लेयर घूम रहा है, इधर से चलते हैं एक बार। भाई कितना बड़ा है ये। ओ शिट, छुप 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 छुप। ओ बे देख लेता भी तेरे को। निकल निकल निकल, जल्दी निकल। शिट देख लेता भी मेरे को। अबे यहाँ पर एक रास्ता, यहाँ पर आ जा। चल 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 भाग भाग। भाई ये कहाँ पर आ गए अब हम? क्या पता भाई मेरे को। ओए भाई बच गए, ऊपर जा रहा है वो। अरे वो तो ऊपर चला गया। अबे यहाँ पर एक नीचे रास्ता है, चल के देखते हैं। ओ भाई चेस्ट एरिया। भाई यहाँ पर देख, बीच में बुक का एक। कहा? अबे यहाँ पर अंदर कुछ है। दी बुक ऑफ रिवाइवर मिल गई। रुक रुक रुक, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। भाई ले लिया उसको मैं, निकल यहाँ से जल्दी। निकलो निकलो निकलो, निकलना होगा निकलना होगा निकलना होगा। चल भाग भाग भाग। ओ शिट, इन लोगों ने पकड़ लिया हमें। मैकेमोन क्या करें अभी? भाई क्या कर सकते हैं? इनको मार देते हैं, पर हमारे पास तो आर्मर भी नहीं है अच्छा वाला। देखा जाएगा, रिवाइवल बुक दे दो हमारी। भाई यार कितनी जल्दी हेल्थ जा रही है मेरी। कैसे भाई, और मैं 1v2 नहीं कर रहा। निकलो निकलो निकलो, किधर 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 किधर। ओए हाँ तेरे पास तो ट्राइडेंट। वो शेट में फंस चुका हूँ, मेरे पास तो ट्राइडेंट है, मैं इंटरपल मार मार के जा रहा हूँ। बच गया मैं, लेट्स गो ब्रो, मरते मरते बचा मैं। फाइनली ब्रो हमें रिवाइवर बुक मिल गई है।